हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो थीटा होता है प्लस प्लस रहा, प्लस माइनस प्लस रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपको थीटा माइनस पाई हो जाएगा। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जो माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। अगर जेड इक्वल टू वन प्लस आई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ पे टैन इनवर्स वन बाई वन पाई बाई फोर हो जाएगा। वन बाई वन का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई फोर हो जाता है टैन इनवर्स। अब देखिए जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस वन रहा तो देखिए माइनस वन आपको सेकंड पॉइंट में है, सेकंड पॉइंट पाई माइनस थीटा है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए आया है तो पाई बाई फोर यहाँ पे लिखा गया, पाई माइनस पाई बाई फोर हमारा आंसर हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर। अब देखिए थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में आपको माइनस माइनस है तो माइनस माइनस थर्ड पॉइंट में क्या है थीटा माइनस पाई है तो यहाँ पे थीटा माइनस पाई लिख लिया। अब देखिए टेन इनवर्स थीटा माइनस पाई है तो टेन इनवर्स वन बाई वन वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मॉड है, मॉड के फॉर्म में रहेगा थीटा माइनस पाई तो यहाँ पे पाई बाई फोर माइनस पाई आपको थ्री पाई बाई माइनस थ्री पाई बाई फोर हो गया। प्लस आई प्लस वन माइनस आई आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा माइनस थीटा। आर्गुमेंट माइनस थीटा लेना है तो माइनस थीटा ले लिए तो माइनस टेन इनवर्स माइनस वन बाई वन तो मॉड है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई फोर ये हमारा आंसर हो जाएगा।